أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا متفق عليه محترم هدرات اور خواتين اسلام खैरन्नास के सिलसिले का एक और दर्स आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो खुशनसीब लोग जिन्हें नबीत वसलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से समाज के सबसे बेहतर लोग होने का तमगा या एज़ाज़ अता फरमाया जिनके बारे में नबी आलाम ने इतनी अजीम गवाही दी है कि वह समाज के सबसे बेहतर लोग हैं उस फहरिस्त के एक और तबके का तस्करा आज आपके सामने करने जा रहा हूँ जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है यह हदीस सही बुखारी वो मुस्लिम की है लेकिन यह हदीस अल्फाज के फ़र्क़ के साथ हदीस की मुतद कुतुब में आई हैत अबू हर रदी अल्लान वगैरह ने रिवायत किया है कि नब आ सलात वाम ने फरमाया कि लोगों की मिसाल कान की है लोगों की मिसाल कान की है कान जो मुख्तलिफ चीजों की कान होती है उसकी किस्म की है अब उनमें से जो जमाने जाहिलियत में बेहतर होगा वो इस्लाम में आने के बाद भी बेहतर होगा शर्त ये कि दीन की समझ वो हासिल कर ले प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की इस हदीस में दी गई मिसाल को हम सबसे पहले समझते हैं फिर उसके बाद नबी सलाम ने जो बात कही है हदीस में वो भी हम और आप समझेंगे आप और मैं जानते हैं कि सोने की कान होती है हीरे की कान होती है मुख्तलिफ चीजों की कान होती है हीरा जब कान में होता है तो भी हीरा होता है पत्थर हो है। लेकिन उसकी हैसियत हीरे की है लेकिन उसको लाने के बाद तराश खराश के बाद उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है और असल हीरे की शनाख्त जौहरी के अलावा दूसरे लोगों को जो होती है वो पूरी तराश हो जाने के बाद नबीतम ने भी यही बात बताई है जैसे आम पत्थरों में से एक पत्थर नुमाया होता है उसको लेकर तराशें तो वो हीरा बनता है ऐसे ही इस्लाम लाने से पहले जो लोग वहाँ बेहतर होते हैं उन लोगों में जो बेहतर होते हैं इस्लाम कबूल करने से पहले जो बेहतर होते हैं इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो समाज के सबसे बेहतर लोग होते हैं शर्त यह है कि दीन की समझ उनके अंदर आ जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे सलीके से तराशा गया पत्थर ही हीरा बनता है दीन की समझ अगर आ जाए तो ये लोग भी सबसे अच्छे लोग बनते हैं प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की इस हदीस के कई पैगाम हैं कई बातें हैं जो मुझको और आपको समझनी चाहिए सबसे पहली बात यह है कि इस्लामी शरीयत ने हम और आपको ये सिखाया है कि मुस्लिम समाज के लिए अगर बेहतर अफराद हमें चाहिए इस्लाम सब के लिए सारी दुनिया के लिए पैगाम है सारी दुनिया के लिए रहमत है सारी दुनिया के लिए अल्लाह ताला का यह हिदायत का सामान है अल्लाह की तरफ से भेजी गई कामयाबी की जमानत है कामयाबी की गारंटी है और आखिरत में नजात का इकलौता जरिया लेकिन उन लोगों में से जो जमाने जाहिलियत में अच्छे समझे जाते थे इस्लाम नहीं था लेकिन वो अपने समाज के अच्छे लोग थे सरदार थे बेहतर लोग थे या समझदार लोग थे या अच्छे दिल वाले लोग थे इस्लाम कबूल करने के बाद भी वो लोग समाज के अंदर अच्छे लोग होंगे इस हकीकत को हम और आपको याद रखते हुए मेहनत हमें सब लोगों पे करनी चाहिए खास तौर पे समाज के जो अच्छे लोग हैं वो अगर इस्लाम कबूल करेंगे तो वो मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा अच्छा और बड़ा अहम इजाफा करार पाएंगे एक पहली बात हम और आपको समझ में आनी चाहिए दूसरी बात ये हम और आपको याद रखनी चाहिए के जमाने जाहिलियत में या इस्लाम से पहले कुफर की हालत में जो लोग जिंदगी गुजारते रहे अगर उन लोगों की सही तरबियत की जाए अगर वो वहाँ अच्छे थे तो यहाँ भी अच्छे होंगे अगर वो वहां अपने समाज के लिए बेहतर थे मुफीद थे तो आज वो इस नए समाज के लिए भी बेहतर और मुफीद होंगे सहीब ने हिब्बान के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को और ज्यादा वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा कि देखो इस दीन का मामला ये है कि जो आदमी इसे कबूल करने से पहले इससे शदीद नफरत करता होगा अगर उसे इस्लाम की तौफीक मिल जाएगी तो तुम पाओगे इस्लाम में भी वो सबसे ज्यादा अच्छा इंसान होगा यानी इस्लाम कबूल करने से पहले जो इस्लाम का सख्त मुखालिफ होगा इस्लाम कबूल करने के बाद वह इस्लाम का सबसे बेहतर खादिम भी होगा कि सबसे अच्छे लोगों में वो भी शामिल होगा प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की इस हदीस का यूं समझिए नबी अलैहि सलाम ने यह पैगाम हम और आपको दिया है कि जो लोग इस्लाम की मुखालफत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं दुश्मन है इस्लाम से नाराज हैं या इस्लाम और मुसलमानों के किसी भी रवैये से नाराज हैं तो उन लोगों के सामने इस्लाम की सच्ची तालीमत पेश करें आप मायूस ना हो आप ये ना समझें कि इतना कट्टर मुखालिफ इतना दुश्मन इसे हिदायत कहाँ से नसीब होगी आप ये हरगिज हरगिज ना सोचें आपका काम है पैगाम पहुंचा देना अल्लाह ताला की अगर तोफी होगी तो वो कट्टर इंसान भी कबूल करेगा और कबूल करने के बाद वही सबसे ज्यादा हो सकता है आपके और इस्लाम के हक हाँ में मुफीद भी बन जाए आप जानते हैं हज़रत उमर इब्ने खत्ताब इबन ख सब लोग जानते हैं समाज का एक पूरा तबका तारीख इस्लाम की इस अजीम शख्सियत को जानता है इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम और मुसलमानों के हक हाँ में कितने सख्त थे

अल्लाह ने हजरत उमर खत्ताब आन, को हिदायत, तो क्या हुआ? हिदायत मिलने के बाद खत्ताब आन, जितने इस्लाम के शदी मुख थे इस्लाम के उतने ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो गए इसके पीछे वजह क्या है नबी सलाम ने इसी हदीस के अंदर जिस हदीस का मैंने अभी इब्ने हिब्बान की तज़किरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया आपने समझाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो आदमी सख्त मुखालिफ होता है वो इस वजह से होता है कि वो आदमी खरा है आदमी खरा है उसके अंदर दो रुखापन नहीं है उसके अंदर मुनाफकत नहीं वो कमजोर आदमी नहीं मजबूत और खरा आदमी है और हिदायत नसीब नहीं हुई है इस्लाम की समझ नहीं मिली है इस वजह से सख्त मुखालिफ है जब वो इस्लाम कबूल करेगा तो क्या होगा इस्लाम कबूल करेगा तो भी वो उतना ही खरा निकलेगा वो इतना ही ज्यादा जो है पुख्ता निकलेगा इस वजह से वो आदमी खरा इसीलिए अल्लाह के रबी ने कहा तुम लोगों में सबसे ज्यादा बुरा उसको पाओगे जो जुल वह है दो चेहरों वाला है कि मुसलमानों के सामने आता है तो उनके सामने हाँ हाँ कहता है और वहां गैरों के सामने जाता है तो उनको भी राजी करता है ऐसा आदमी इस्लाम कबूल भी कर ले तो इस्लाम के लिए वो बहुत ज्यादा मुफीद नहीं हो सकता इस्लाम उसके लिए मुफीद हुआ लेकिन वो इस्लाम के लिए मुफीद हो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं असल इस्लाम के लिए मुफीद हो सकता है तो वह इंसान जो आदमी पहले भी खरा था बाद में भी खरा था ये नबी अली सल्लतुस्सलाम ने बयान फरमाया तो इस हदीस से सबसे पहला पैगाम हम और आपको ये मिलता है कि हम और आप दावत व के मैदान में जिन लोगों की तरफ से परेशानी होती सख्त मुखालिफ हैं सख्त नुकसान पहुंचाते हैं मुखालफत करते हैं मायूस ना हो उन पर मेहनत जारी रखें उनके सिलसिले में कोशिश जारी रखें अच्छे अंदाज से इस्लाम समझाते रहें कि ये तुम्हारा रब का पैगाम है ये जिसने तुम्हें पैदा किया उसकी दी हुई हिदायत है ये नबी तेरे नबी हैं ये कुरान तेरे लिए आई किताबी हिदायत है उसे समझाते रहें अगर अल्लाह ने उसे समझ दे दी तो वो इंसान जो आज नुकसान दे है कल वो इंसान सबसे ज़्यादा मुफीद हो सकता है कभी मायूस ना हो कभी उनकी तरफ से परेशान ना हो मेहनत जारी रखे एक ये बात हम और आपको समझ में आती है। और दूसरी बात जो इस हदीस से हम और आपको समझ में आनी चाहिए जो इस हदीस का पैगाम है वो ये कि हमारे समाज में ख़ास तौर पर नौ मुस्लिम का एक लकब है नौ मुस्लिम एक लकब हमने दे दिया और माफ कीजिए मुझे इस लफ्ज को लेकिन हकीकत बयान करने के लिए जरूरी है यह नौ मुस्लिम लफ्ज भी हमारे समाज में वही हैसियत इख्तियार कर गया है जैसे हिंदू कौम के अंदर तबकती निजाम में ऊंच नीच की जात का फर्क रखते हैं और कुछ जातों को निचला समझकर लोग उसे जो है ताने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं नो मुस्लिम को भी हमने एक ऐसा लफ्ज समझ लिया है जैसे वो कोई निचली जात को दिया गया लकब है ये गलत है नौ मुस्लिम कोई جए, को, को, कोई लकब नहीं इस्लामी शरीयत के अंदर नौ मुस्लिम कोई मसला नहीं है एक पैदाइशी मुसलमान दूसरा मुसलमान अल्लाह ने जैसे हिदायत दी मुसलमान इस्लाम कबूल कर लेने के बाद सब मुसलमान है और उसके बाद इन अक्रम इनकुम तुम में सबसे ज्यादा मुआजत जो इतवे वाला होगा वही होगा आप खानदानी मुसलमान हैं लेकिन एक आदमी नया नया इस्लाम कबूल किया है अगर वो तकवे में आपसे ज्यादा आगे है और इस हदीस की रोशनी में नबी अली ने यही समझाया है कि अगर वो तकवे में आगे है वो आपसे बेहतर है वो आपसे निचला नहीं है देखिए ये बात याद रखिए नौ मुस्लिम जो इस्लाम कबूल करते हैं समाज में उनको कबूल करना अपने खानदान कबीले में कबूल करना शादी ब्याह करना कराना ये हमारे और आपके जिंदगी का एक लाज़िमी हिस्सा होना चाहिए ये कोई लकब नहीं है नौ मुस्लिम के नाम पर हम उनको कमतर और हकीर समझे इस्लाम की नज़र में ऐसी सोच काबिल अफसोस है हाँ ये बात भी अपनी जगह पर है कि जैसे आप एक मुसलमान का मुसलमान से रिश्ता करते हुए आप दूसरी चीजें देखते हैं कि लड़की का निबाह ऐसे मिजाज के आदमी के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है तबीयतों का फर्क मिजाज का फर्क दूसरे जो समाजी मसाइल शरीयत के दायरे में जवाज के दायरे में रहकर आप देखते हैं वैसे ही अगर आप देखते हैं तो इसकी इजाजत है ये भी नहीं कि नो मुस्लिम है इसलिए आप लाजिमी तौर पर उनसे रिश्ता करें इस्लाम ने ऐसा भी आपको हुकुम नहीं दिया लेकिन ये ख्याल होना चाहिए कि नो मुस्लिम का ये जो लकब है ये लकब जो है कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए कि आप उनको समाज में कबूल ना करें घर में कबूल ना करें आपके रिश्ते नातों में कबूल ना करें यह बात नहीं होनी चाहिए यह बात हम और आपको इस हदीस से समझ में आती है क्यों नबी अली सलाम ने कहा अगर वो जमाने जाहिलियत में अच्छे थे तो इस्लाम कबूल करने के बाद भी अच्छे हैं हाँ आप अगर उनके अपनी दीगर चीजें जैसे मिसाल के तौर पर नो मुस्लिम है लेकिन कुछ कमाता नहीं है आप अपनी बेटी या बहन को उसके निकाह में देना नहीं चाहते इसलिए कि वो ठीक से कमाता नहीं या फिर ये कि अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कि वो आदमी कोई और दूसरी ऐसी कमजोरी कमी रखता है जिसकी वजह से आप रिश्ता मंजूर नहीं करना चाहते या लड़की मंजूर नहीं करना चाहती इस्लाम ने छूट दी लेकिन नौ मुस्लिम होना यह कोई आय नहीं है ये बुनियादी मसला हम और आपको याद रखना चाहिए और तीसरी बात जो इस हदीस से हम और आपकी समझ में आती है वो ये कि प्यारे नबी वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई कि देखो वो लोग जो जमाने जाहिलियत में जमाने जाहिलियत में अपनी सलाहियतों से इस्लाम का नुकसान करते थे इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी सलाहियतों से तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए वो जब जमाने जाहिलियत में जाहिलियत के लिए बेहतर थे तो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम के लिए बेहतर हो सकते हैं शर्त ये कि उनकी सलाहियतों का दीन की के मफाद में दीनी तालीमत की रोशनी में इस्तेफादा किया जाए यहाँ इस मामले में हमारे समाज में बड़ा इफरात तफरी नौ मुस्लिम हजरात जो इस्लाम कबूल करते हैं उनके हवाले से उनसे फायदा उठाने दिन की खिदमत लेने के हवाले से दोहरा रवैया कुछ लोग नौ मुस्लिम का नाम लगाकर उनकी तमाम सलाहियतों को एक कोने में लगा देते हैं कोई फ़ायदा नहीं उठाते वहीं कुछ लोग नौ मुस्लिम के नाम पे इतने मुतािर हो जाते हैं कि दीन और ईमान की कमान उनके हाथ में दे देते दे हैं हालांकि अभी उन्होंने दीन को पूरी तरीके से समझा नहीं है ज़्यादा गहरा इल्म उनके पास नहीं इस्लाम कबूल किया बहुत अच्छी बात है उनके पास दीगर सलाहियतें लेकिन अल्लाह के नबी ने इदा फ़कू की जो शर्त लगाई इस्लाम कबूल करने के बाद दीन की समझ उनको आनी चाहिए दीन सीखना चाहिए इस शर्त को नज़रअंदाज कर देते तो ये जो तीसरी बात है कि जमाने जाहिलियत में जो बासलाहियत थे जो इस्लाम कबूल करने से पहले बासलाहियत थे इस्लाम लाने के बाद भी वो बासलाहियत होंगे उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए इसमें इफ़रात तफरीत है एक तरफ कुछ लोग उनको उनको बिल्कुल रद्द कर देते हैं, नाकाबिल ना वहीं कुछ लोग ऐसे हैं इतने मुतासिर हो जाते हैं कि सारे मसाइल की कमान उनके हाथ में दे देना चाहते हैं हालांकि अभी दीन की गहरी समझ उन्हें हासिल करनी है अभी उन्हें सीखना है अभी उन्हें पढ़ना है बेहतर रवैया ये है कि उनको पहले से मौजूद अहल खैर जो लोग हैं दीनदार लोग हैं ये इल्म वाले हैं जो समझदार लोग हैं ऐसे लोगों को अपने साथ रखकर उनकी बेहतर सलाहियतों से फायदा उठाएं ना उनको हद से आगे बढ़ाकर उन्हीं के हवाले मामला करें ना उनको हद से पीछे हटाकर उनको नजरअंदाज करें यह रवैया दोनों गलत है यह मियाना रवि से काम लेते हुए उनकी सलाहियतों से फायदा उठाना चाहिए हाजी ने गिरामी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में जो पैगाम हम आपको देना चाहते हैं वो ये कि खैर उन्नास की फहरिस में नबी अली सलात ने इनका भी तस्करा करते हुए फरमाया कि अगर वो जमाने ज़ाहिलियत में बेहतर थे तो इस्लाम लाने के बाद भी ये लोग बेहतर हैं और बेहतर होंगे इनकी इस बेहतरी को पहचान कर उनकी कदर करना यह हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक मुझे और आप सभी हजरात और ख़वान को जो बातें हम और आप सुन रहे हैं सुना रहे हैं हम और आपको सुनने सुना से, सुनाने से ज़्यादा इन पर अमल पैरा होने के तोहफ़ी क़त फ़रमाए आमीन व आखिर दावानबालमिन वालकमी वबरकू